अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे से। तो आज है रमजान मुबारक और रमजान मुबारक का पहला जुम्मा, तो आप सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। रमजान बहुत बहुत आप सबको हमारी तरफ से मुबारक। अल्लाह पाक ये रमजान मुबारक के पूरे पूरे रोजे हम पर आसान करे, आमीन, और पूरे पूरे रोजे रखने की तौफीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम लोग अभी सहरी में उठे हैं, सहरी से लेकर इफ्तारी तक का पूरा रूटीन आप लोगों को दिखाऊंगी, है ना? दिन भर में हम लोग क्या करते क्या बनाते सब आप लोगों से शेयर करने वाले। तो चलिए अभी सहरी का वक्त हो चुका है और बज रहे 4:15, तो अभी हम लोग सहरी करते वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। सैफान भी उठा है देखो रोजा रखने के लिए, सैफान भी बहुत एक्साइटेड है, मैं भी रोजा रखूंगा। मेरे बच्चे के लिए दुआ करो। हाँ दुआ करो मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे भी रोजा रखे और रोजा अल्लाह इस पे आसान करे, आमीन। रखेंगे ना, पूरे रोजे रखेंगे मेरे बाबू। चलो तो देखिए सहरी के लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली हूँ, यहाँ पर रोटी भी बना चुकी हूँ, रोटी बन गई है और यहाँ पर कीमा भी बन गया, ये देखिए। तो फिर चलिए जल्दी से सहरी कर लेते, और देखिए चाय भी पक रही है यहाँ पर। सही करते जल्दी से, चलो चलो बैठो बच्चे लोग। तो देखिए माशाल्लाह हम लोग बैठ गए सहरी करने के लिए, कीमा है, रोटी है, पाव है और दही। आइए आप सब लोग सहरी करने के लिए। हाँ सैफन क्या खाएंगे, पाव? मेरा सैफन कीमा पाव का है, ये देखो पाव, खड़क पाव। आप लोगों को तो पता है खड़क पाव खाती हूँ मैं सहरी में। पाव सबको पसंद है घर में। आइए आप लोग भी आइए हमारे साथ सहरी करने के लिए। दही स्पेशल आप ही हमारे घर में बनता है? हाँ दही तो मैं डेली बनाती हूँ घर में सहरी में, आप लोगों को भी दिखाऊंगी कैसे बनाती है। चलो फिर खाके मिलते हैं। कीमा रोटी वगैरह खाके हो गया, अभी चाय पाव खा रहे। तुम क्या खाएंगे? सहरी में तो चाय तो जरूरी है, मेरे को बहुत पसंद है, तो अभी मैं भी चाय पी रहा हूँ। अब बनपाव तो बनपाव भी खाऊंगा माशाल्लाह। ये हमारा शालीमार होटल का बनपाव है, बहुत अच्छा रहता है। गरम दूध का है ना? हाँ बटर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सबकी सहरी करके हो चुकी है। तो अभी मेरे शोहर पानी पीते बैठे, पानी पीना चालू भी हो गया। दिन भर प्यास लगी ना इसलिए पानी पी रहा हूँ, और सहरी करने बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक साल के बाद पहली सहरी है ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह अल्लाह पूरे रोजे हम पर आसान करे और पूरे पूरे रोजे रखने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। सरन क्या हुआ? सैफान ने मेरा रोजा रख रहा है। मेरे सैफान उठ उठ उठ, तू कुछ बोलेगा नहीं, बोल। उड़ गया है, एक आवाज में ही उड़ गया। बोला था मैं नहीं उठूंगा तो मेरे मुंह पे पानी डाल के उठाना, मगर एक आवाज देने के साथ उठ गया। उसको रोजा रखने का था तभी तो उठा मेरा बच्चा, है ना बाबू? ये देखो हुसैन बैठा है, हुसैन हसन दोनों बैठे है सहरी करके। आप अजान का इंतजार कर रहे हैं, है ना? अजान में की नमाज पढ़ेंगे, नमाज इधर जमा की होगी, 5:18 को खत्म हो जाएगी सहरी, उसमें दिया है कार्ड। सहरी का टाइम 5:18 माशाल्लाह, हम सबकी सहरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। 5:15 बज गया है, 1-2 मिनट बाकी है, तो लास्ट में पानी पीना तो बनता है। तो ये देखो घड़ा है,
मैंने गुलबर्गी का हमारे गांव का कर्नाटक का और मैं स्पेशल हम लोग इसमें पानी पीते था मैं के अंदर जब गांव गए थे हम लोग गांव से लेके आए थे इसको ना फिर आप लोगों को तो पता ही होगा ये हर साल बताते ही आप लोगों को कि घड़ा से ही मैं पानी पीता हूँ इनके गांव का घड़ा है हमारे गांव का गुलबर्गी का कर्नाटक का उनका फेवरेट घड़ा है उसी में पानी पीते इसलिए आप लोगों को दिखाते है ना और तांबे में पानी पीना अच्छी बात है लेकिन फायदे भी है बहुत फायदे में तो माशाल्लाह अभी चलो अभी नमाज का टाइम होने वाला है अभी हम लोग सब मिलके नमाज पढ़ने जाएंगे मैं हसन हुसैन और सैफान हम लोग चार अब तुम लोग घर में पढ़ेंगे हम लोग घर में पढ़ लेंगे मस्जिद में ऐलान हो गया है कि हजरत खाना पीना बंद कर दे सहरी का टाइम खत्म हो गया तो आप लोग भी खाना पीना बंद कर दे हम तो नहीं बंद कर दिए नियत बांध लो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नवीतुवन असम गजल लिल्लाहि ताला मिन फर्जी रमजान अल्लाह ताला हमारे रोजों को कबूल करे और अच्छे से रोजा बन जाए चलो फिर नमाज पढ़ने का टाइम हो गया ऐसा होगी नमाज पढ़ के आके आप सुन लीजिए हम लोग है ना चल गया अभी फजर की नमाज पढ़ लेती हूँ मैं और मेरा सैफान हम दोनों नमाज पढ़ते कुरान शरीफ पढ़ते उसके बाद आप लोगों से मिलते समरीन कुरान शरीफ की तिलावत कर रही है माशाल्लाह आफरीन भी पढ़ रही है कुरान शरीफ हम लोग नमाज पढ़ के आ गए सैफान क्या पढ़ रहे बेटा तुम अल्लाह ताला के नाम पढ़ रहे माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ो पढ़ो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नमाज पढ़ के भी हो गया कुरान शरीफ भी पढ़ ली और मेरे शौहर मेरे बच्चे भी नमाज पढ़ कर आ गए सैफान का आज पहला पेपर है इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है स्टडी चल रही है उसकी हाँ हसन उसको पढ़ा रहा है पढ़ाई मस्त कर रहा आज सैफान का पहला पेपर है इंग्लिश का रोजा भी रखा है और पेपर देने भी स्कूल जाएगा वो बोला है मैं अच्छे नंबर से पास होऊंगा आपको इसलिए देखो फजर की नमाज पढ़ के बाद ही सीधा पढ़ने बैठा है हाँ पढ़ाई करने बैठ गया मेरा बच्चा एकदम मस्त नंबर लाने वाला है तो अभी हम लोग थोड़ा आराम करेंगे उसके बाद मैं आप लोगों से सुबह में मिलती हूँ है ना अस्सलाम वालेकुम तो सैरी के बाद हम लोग सो गए थे तो अभी उठे हैं 11 बज रहा है 11 बजे उठे अभी तो 11:30-12 हो रहा है जा रहे अभी इफ्तारी का सामान लेने के लिए कुर्ला मार्केट जाऊंगी इफ्तारी का फ्रूट वगैरह लेना है सब लेकर आऊंगी क्योंकि आज जुम्मा भी है नमाज की तैयारी करना है सबको है ना चलो अभी चलते हैं दिखाते हैं शुरुआत कलिंगर से करते हैं भाई लाल हमारा व्हाइट तुम्हारा अच्छा है 50-50 रुपए अरे कौन लाल आटे कलिंगर ले लिया 80 रुपया किलो दोगे तो कैसा बोल रहा है 80 रुपया किलो अंगूर और आम कैसा है आम कैसे किलो आम 100 रुपये किलो अच्छा हाँ बोलो 100 का 1.5 किलो अच्छा भी किलो अंगूर 100 रुपया किलो अंगूर 100 रुपया किलो अंगूर तरबूजा 100 रुपये का 2.5 किलो बोल रहा है चाहिए देख लिया है तो हो गया कितना किलो 100 का 2.5 किलो चलो चलते
अरे ये देखो कैसा लेके जा रहे वजन बढ़ गया है ना इसलिए कंधे पे लिए। अभी केला केला कितना ले? कितने उत्तम में नींबू 5 रुपए का एक नींबू 20 का 4 नींबू महंगा हो जाएगा। 50 का 2 फल चाहिए ले ली बिल ले लो ले लो। चलो सामान लेके कैसे चल रहे सामान लेके कंधे पे है ना 2-4 दिन का आएगा। हाँ सही बात है रोज रोज कौन आएगा धूप में से। केला 50 रुपए दे फुरला मार्केट से मैंने फ्रूट वगैरह सब ले ली हूँ इफ्तारी के लिए। पब्लिक भी अभी निकल रही है इफ्तारी का सामान। अरे बहुत अभी शुरू कराना अभी अपने वहाँ से ही मैं चिकन भी लेती हूँ। तो चिकन की दुकान मिलते चलेंगे माशाल्लाह। नींबू देखो कितना महंगा हो गया 5 रुपए का एक। रमजान में नींबू ही ज्यादा महंगे हो जाते हैं सब लोग फिर अफ्तारी में नींबू पानी पीते हैं ना और ये तो बहुत जरूरी है अफ्तारी में। चलो अभी जुम्मा का टाइम हो रहा है। हाँ तकरीब भी हो रही है देखो जुम्मा है ना आज। चलो फिर नहा धो के नमाज पढ़ते हैं नमाज में मिलते नमाज के बाद सलीम के बर्तन दे तो खड़ी है अपन भी पढ़ाई चालू है एग्जाम की प्रैक्टिस चालू है फुल पढ़ाई। तभी सैफान भी रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए आज उसका पहला पेपर है। मेरे बच्चों के लिए दुआ करो मेरा बच्चा अच्छे नंबर से पास है उसके सब पेपर अच्छे जाए लगे नहीं उसे। अभी उसके अब्बू भी जा रहे हैं उसको छोड़ेंगे वहाँ से नमाज पढ़ के अपने शॉप पे जाएंगे। शॉप पे जाऊंगा फिर आपको इफ्तार के टाइम पे मिलूंगा। हाँ चलो अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी शौहर तो चले गए नमाज पढ़ने मस्जिद बच्चे भी नमाज पढ़ के आ गए और मैं भी अभी नहा धो के नमाज पढ़ रही हूँ। नमाज पढ़ती हूँ उसके बाद अफ्तारी बनाने की तैयारी करती हूँ वो भी आप लोगों से दिखाती हूँ ठीक है। नमाज के बाद मिलती हूँ। तो अभी मैं नमाज पढ़ने के बाद देखो अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं चिकन कीमे के समोसे बना रही हूँ चिकन का कीमा है उसका समोसा बना रही हूँ और ब्रेड रोल बना रही हूँ और भजिया वगैरह बनाऊंगी। ये सलाई लगा के इसको जो है ऐसा चिपका दूंगी। देखिए माशाल्लाह ऐसे समोसे तैयार हो जाएंगे। बहुत जल्द मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों को देने वाली हूँ चिकन समोसे की। ये देखिए कितना अच्छा बना है माशाल्लाह। तो इसी तरह से सब समोसा बना लेती हूँ उसके बाद मुझे ब्रेड रोल भी बनाना है और भजी वगैरह भी बनाना है। सैफान भी अभी स्कूल से आ गया है और उसको भी भूख लग रही मगर मैं बोली अभी रुक जा सब्र कर ले बेटा अभी तो 2.5 घंटा तो बचा है इफ्तारी के लिए है ना। इसको ये मैदे की लय है लय बना लेंगे मैदे से तो ये अच्छी तरह से चिपक जाता है। तो इसी तरह से मैं सब समोसा बना लेती हूँ उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कई टाइम पे आए
नई चीज मौजूदा चीज बनाई थी ना। हाँ चीज मंगाई थी। अच्छा रोजा लल्ला पेपर कैसा है तेरा? अच्छा अच्छा पेपर था मेरे बच्चे का आज का। चीज मंगाई थी। हाँ अमूल का लिया। हाँ अमूल का मोजरेला चीज एक किलो। नमाज पढ़ा बेटा। ब्रेड रोल भजिया सब बन रहा है माशाल्लाह। कांदे का भजिया ब्रेड रोल और चिकन के समोसे सब तल रही हूँ अभी। वहाँ पर मेरे शौहर फ्रूट काट रहे हैं। आप को दिखा इफ्तारी काटते कटिंग हो रही है माशाल्लाह। मेरे बच्चे का पहला रोजा है। मेरे बच्चों के लिए आप लोग दुआ कीजिए। मेरा लल्ला अल्लाह ताला मेरे बच्चों को कामयाब करे। मेरे बच्चों को दुआ कीजिए। ये लो कटिंग कर कटिंग शुरू। हाँ हाँ मम्मा। हाँ मेरा बच्चा देखिए माशाल्लाह अल्लाह के करम से इतनी सारी इफ्तारी अल्लाह ने इतनी सारी नामत अता किया है। अल्लाह पाक हर किसी के दस्तरखान इसी तरह से सजाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलो अभी अजान का टाइम होने वाला है तो दुआ पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ए अल्लाह माहे रमजान मुबारक की तमाम रहमतों और बरकतों से हमें मालामाल फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमारे रोजों को जिक्र अस्कार को नमाजों को हमारे को कबूल फरमा। आमीन। अजान हो गई है अजान अफ्तारी की दुआ पढ़ो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो भजन। اللهم إني لتصمت وبكامنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني. इस तरह से अक्का खाने वाला है। बोला अगर पीस में नहीं खाऊंगा ऐसा खाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबका अफ्तारी करके हो चुका है। चलिए अभी शौहर भी और बच्चे भी जा रहे हैं नमाज पढ़ने मस्जिद में। मैं भी नमाज पढ़ लेती हूँ उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। पढ़ के आगे फिर आपसे सलाम दुआ करते हैं। नमाज पढ़ी जाएगी। चलो बाकी काकी खाइए। अल्लाह हाफिज। तो अभी हम लोग की नमाज तो हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के। बच्चे और मेरे शौहर भी आ गए नमाज पढ़ के। और जो इफ्तारी जो बची थी इफ्तार नमाज जो बचा कुचा था इफ्तारी वो भी खा ली है। अभी बहुत सुकून से अभी खा लिया नमाज होने के बाद। अभी तरावी की तैयारी है। अभी जाएंगे चाय पी के जाएंगे तरावी पढ़ने के लिए। 1:15 की ईशा है। ईशा की नमाज वही पढ़ेंगे और मस्जिद में तरावी पढ़ेंगे। और इन लोग 6 दिन की तरावी पढ़ रहे हैं। हाँ क्योंकि बाद में मेरे शौहर को काम बहुत रहता है बुटीक पर उनको टाइम नहीं मिलता इसलिए 6 दिन की पूरी तरावी पढ़ लेते। बच्चे भी साथ में जाके पढ़ लेते। आज हम लोग की दूसरी तरावी है। हाँ आज का दूसरा दिन हम लोग का। तो अभी जल्दी से जो आए नमाज पढ़ के उसके बाद जो बचा था वो पूरी अफ्तारी खा ली है माशाल्लाह। अब चाय बना के दूंगी चाय पियेंगे और इन लोग नमाज के लिए ईशा की नमाज के लिए चले जाएंगे। तो ये था हमारी सहरी से लेकर अफ्तारी तक का दिन भर का रूटीन। कैसा लगा आप लोग को मुझे कमेंट करके जरूर बताना है ना। तो फिर मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे आप मेरे मार्केट के वीडियोज को पसंद करते लाइक करते उसी तरह मेरे डेली रूटीन का वीडियो और मेरे कुकिंग का वीडियो इसे भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कल से आपको रेसिपी दिखाई जाएगी माशाल्लाह। हाँ। एक से एक बना के दिखाएंगे आपको मैं रेसिपी। उसको भी लाइक शेयर याद से करना। कल से मैं इंशाल्लाह जरूर आप लोगों को अच्छी से अच्छी रेसिपी बना के बताऊंगी। तो फिर वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए है ना। फिर मिलती है अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए मेरे शौहर और मेरे बच्चे तरावी पढ़ने गए थे 6 दिन की।
तो वहाँ से थोड़ा सा वीडियो क्लिप बनाकर लाए हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज की दूसरी तरावी ना, आज की दूसरी तरावी और दस पारे हो गए माशाल्लाह। दस पारे हो गए ना, इस तरह देखिए पूरा मजमा, देखो ना कितना अच्छा मजमा है।